Assalamualaikum everyone, welcome to our new vlog. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अभी सीन ये है कि रात के बज रहे हैं सिर्फ 10:15, ठीक है? क्या 4:15 हो रहे हैं सुबह के। यार जेब भाई क्या टाइम हो रहा है? 10:15। लड़के क्या टाइम हो रहा है? 10:15 हो रहे हैं। अगर 10:15 ना को इसकी तो खैर है, हमारी बेगमा ने कहा ना 10:50 के निकले हो, सुबह के 6:00 वापस आ रहे हो। इन्होंने ये डाल देना सीन। आप किसी के डिक्टेट में? हाँ इस मुताबिक ये बंद है। अच्छा सीन खैर ये है कि हुसैन, आपको पता लाहौर आया हुआ है, हुसैन को आज हम लेके गए हुए थे। कहाँ पे हुसैन? धुंध में लेके गए हुए थे। यार क्या सीन हुआ वैसे, कितनी ज्यादा फॉग थी वहां रास्ते में अभी। अच्छा हुसैन पूरा रास्ता पैदल समीर को कह रहा है, समीर किधर जाना है, समीर इनकी गाड़ी यहाँ से निकालते हैं, समीर इनको ऐसे कहते हैं। अगर बारबेक्यू है लो यार, मतलब लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जीरो व्यू था उसे भाई, देखा हम लोगों ने, मतलब अल्लाह का बड़ा करम है खास के हम लोग खैर कैसे घर आ गए। जीरो भी सही बात है, लिटरली आज जीरो विजन देखा हम लोगों ने। हाँ कंस्ट्रक्शन की वजह से आता। खैर सीन ये है कि अभी आज थोड़ा सा हुसैन का मूड और था स्नोकर का, लेकिन सारा दिन ऐसा ज़्यादा पैक रहा, इतना ज़्यादा मशरूफ था हम लोग सोने में कि हम लोग स्नोकर नहीं खेल सके। लेकिन अभी हम लोग आ गए हैं तकरीबन 4:00, इन लोगों को ज़बरदस्ती घर से, ये बेचारे शादी से आए थे, इन लोगों को भी घर से उठा लिया हम लोगों ने। हम लोग जा रहे हैं जुएब भाई की खास जगह पर, जहाँ पर जुएब भाई ज़िंदगी भर के लिए रहना चाहते हैं। कहाँ पर जा रहे हैं जुएब भाई? स्नोकर खेलने जा रहे हैं हम लोग। शादी के बाद पहली दफा, वो भी सिर्फ भाइयों की वजह से। आज बेगमाद मेरी हुसैन की शादी होनी है, फिर तेरी भी इजाजत खत्म, फिर हम लोगों ने जिंदगी भर घर में लूडो ही खेलनी है। 6 आ गए ही, मेरा एक नहीं आ रहा, फिर ये चलना है। खैर अभी हम लूडो खेलने जाएंगे, उसके बाद बेगम स्नूकर खेलने जाएंगे। सर चलो यार 4:00 तो क्या सीन है, नहीं जाना? जुएब भाई तो अगले चौक में पहुंच गए। जुएब भाई मैं तो अगले चौक में खड़ा। हेलो मैं स्नूकर खेल रहा हूँ, के लिए तो जा रहे हैं हम लोग, चलते हैं ना प्लीज। अच्छा बोल रहे भाई साहब, उफ ये सीन थे भाई। जे भाई सैन साहब चले, ऐसा लग रहा है कि किसी मरी टाइप जगह पे आ गए हम लोग। सी मफलर लेके आए मेरा, थैंक यू सो मच ब्रो। ओके जी ओके, वो देखे उधर देखे। नहीं 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 काके आराम से, हम लोग बाय नहीं जाएंगे अपने सोसाइटी से। ओके जी ओके काके, अल्लाह हाफिज। मेरे फोन काके, ओके बाय बाय अल्लाह हाफिज। जे भाई तो फौरन गाड़ी पे बैठने की कर रहे हैं, चाय पीनी है आके, अब तो हम नाश्ते के बाद ही चाय पियेंगे। क्या सीन है भाई, क्या मोमेंट था यार, कार को बना था कोई, जो कौन सा वाला पहले हुआ था, जो लॉग स्टार्ट होने से पहले जो मंजर था ना, यार जाने ना। एक साल बाद इजाजत मिली है, नहीं करो यार। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह भाई, सफर की दुआ बढ़ गया हम लोगों ने। मुझे तो डेड सी नहीं लग रहा यार आगे का, तो लाइट बंद करते हैं आप। भाई अभी मैं आया हूँ यहाँ पे ना हुसैन, तेरी वजह से तुझे एक ऐसी चीज खिलाने लगा था जो तूने मतलब लाहौर के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है वो बंद हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है आपकी? मर्जी आप लिफ्ट नहीं कराते भाई? नहीं सर, अभी आपने कॉल की वैसे ही आ गए। क्या सीन है, ऑन है? ऑफलाइन हो गया, खत्म हो गया जी सर। यार भाईजान अस्सलाम वालेकुम, सर कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं भाई? खत्म हो गया, हमें थोड़ा सा आप लोगों से मिल जाएगा। यार ये भाई जो है ना मेहमान कराची से आए हमारे, ठीक है, और इन्होंने ये खाया नहीं है यहाँ का ना कभी, तो मैंने इनको कहा यार आप कुछ खा देता हूँ भाई। भाई की जो रेड जैकेट वाले भाई हैं ये मुझे लग रहा है नहीं देंगे। जितने गुस्से में आप देख रहे हैं ना, मुझे नहीं लग रहा आपने मुझे खिलाना है। यार हुसैन यार भाई प्लीज इस भाई को एक फ्राइज चखा दें, एक फ्राइज सिर्फ, एक फ्राइज एक चखले यार, कोई बात नहीं भाई है यार। थैंक यू यार, ये तो जबरदस्ती भाई जान, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या भाई? हैदर भाई, लव यू ब्रो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लो भाई चाँच चखाओ, बताओ कैसा लगा?
क्या बात है यार। अच्छा। क्या बात है भाई। फिर भी यार मैंने मांग के खिलाया ना यार, यही तो मैंने कहा, यही प्यार होता है यार। ये लाहौरियों की क्वालिटी है भाई यार, ये मेहमान नवाजी है हमारी। एटलीस्ट अप्रिशिएट अस यार। जुल्कर नैन भाई वाला छीन के खिला रहे, दूसरा छीना नहीं है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज यार उसको खिला दो। खैर अभी तो ये बंद हो गया, बट मैं कोशिश करता हूँ। ये जुल्कर नैन जो इंसान है ना हमारी जिंदगी में, ये कुछ हेल्प यार प्लीज भाई कुछ करे ना हमारे लिए। बिल्कुल सर, बताएं हो जाएगा कुछ ना कुछ। ये हाँ जी भाई, क्या कहते हैं, इज्जत बनाई आपने, आप मानते हैं फिर। आपको मैंने कहा है कि खिलाऊंगा मैं, भाई मेरा हुआ तो लाजमी खिलाएंगे हम आपको। हाँ ये वैसे कल से बोला हुआ है। बिल्कुल आप मुझे बता दें, मैं करवा देता हूँ। बस डन, लव यू मिर्जा। ये आ तो गए हैं बट दरवाजा बंद है। बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहा हूँ मैं, ये कैमरा लगा भाई। हेलो भाई, स्नूकर खेलना चाहता हूँ मैं। 4 बजे ऑफ था ना मुझे भी लाना, लेकिन प्लीज अगर कोई आ जाए ना रिक्वेस्ट कर ले भाई। क्या सीन है भाई, मुझे तो लग रहा है बंद है। मुझे अच्छा बंद अभी हुआ है ना, मैं पूछ रहे ना कि हम जब ये अच्छा, लाइट बंद हुई है ना, खाने के चक्कर में मेरे ख्याल से रह गया हमारा यार। मिर्चे देख रहे हो ना, अभी ये मिर्चे जाएंगी एक्स्ट्रा करवाई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करवाई है भाई, कि लेविश काम होना चाहिए। हाँ जी बॉयज, बॉयज क्या सीन है, वेरी गुड खाया आप लोगों ने, फिनिश भी कर, अबे खा भी लिया, अल्लाह हम लोगों ने बिस्मिल्लाह की है यार अभी। अच्छा स्नोकर ढूंढ लिया समीर साहब, चलें फिर। चलो यार बताओ तो, 5 बज रहे हैं। 5 बज रहे हैं भाई, हमारे अपने बर्गर हमसे जेलस हो, 439 हमसे जेलस और बर्गर बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ा जो हमारा मिशन है ना वो है स्नूकर ढूंढना। अभी हम ढूंढ लेते हैं, अभी बस गेट डालने की जगह मिल जाए ना तो हम ढूंढ लेंगे, ये ढूंढ लेंगे हम लोग। खैर गाइस अभी ये बर्गर खाते हैं साथ में, स्नूकर ढूंढते हैं। स्पाइसी बहुत है, बहुत स्पाइसी है, बातें नहीं होंगी। बहुत सारी मेहनत करने के बाद हुसैन भाई फाइनली हम लोगों को मिल गई है स्नूकर ऑन। सुबह के क्या टाइम हो रहे भाई, सुबह के 5 बज रहे और स्नूकर मिल गई समीर साहब फाइनली। लेकिन मेरे साथ कौन खेलेगा वो? अच्छा आप मतलब एंड पे आ रहे हैं, आप एंड पे आएंगे। पहला मैच तेरे मेरे बीच में होने लगा हुसैन, कह रहे मैं एंड पे आऊंगा, जो तो आप दोनों में से जीतेगा उसका मैच मेरे साथ होगा। क्या पिंटू स्टे होगा ना भाई, मर्जी है यार, पिंटू स्टे होगा। यहीं पे रख दिया, ये देखो, ये देखो ले सकी है, ब्लू मार, चलो डन हो गया। ब्लू मार ना, यहीं से छोड़ दूंगा पक्का, चाहिए यहीं से छुआका, यहीं से छोड़ दूंगा। अभी सीन ये है कि हुसैन की किस्मत चली है और एक पॉइंट से मैं गेम हार गया हूँ, लेकिन वेल प्लेड हुसैन, वेरी वेल प्लेड ब्रो, क्योंकि मैं खेलता नहीं हूँ बट ये दोनों बॉयज अच्छा खासा गेम खेलते हैं भाई। तो अभी सीन ये है कि इसके बाद ये लास्ट गेम होने वाला है, ठीक है। इनका मुंह देख के लग रहा है कि पता नहीं लड़ पड़ना है इन्होंने गेम के साथ, इतना प्रोफेशनल मुंह बनाया है इन्होंने ये। बोले अच्छी, अभी इसके बाद नाश्ता लेंगे और नाश्ता लेके घर जाएंगे, ताकि भाई जो लेट हो गए ना उसका भरपाया हो जाए, नान चने लेके जाने पड़ेंगे। तुम जा रहे हो ये की क्या, मेरा दोस्त जा रहा है। अल्लाह ताला भाई खैर खरीत से लेके जाए तुझे, और बहुत ज्यादा मजा आया, लिटरली इतना मजा आया। तो बता कैसा लगा एक्सपीरियंस, सही से वाला, सही से वाला। अंडी का खाना बहुत अच्छा, अंडी का खाना अच्छा लगा भाई। उसके बाद मेहमान नवाजी एक्स्ट्रा हो गई है, मजा आया आपको, सुकून मिला, घर वाली वाइब थी, बिल्कुल घर। मैं तभी तो जा रहा हूँ। अच्छा क्या रात को क्या बात कर रहा था, आदत मैं बता रहा हूँ ना, मैं महीना रुक जाता अगर मैं भी नहीं निकलता ना, तो मैं तो रोज वही रूटीन है, मेरी घर में आओ वापस और फिर डिफरेंट प्लान्स, डिफरेंट प्लान्स, डिफरेंट रूटीन जो है ना वो 12 बजे सो के उठने वाली है, यहाँ पे बिगड़ गई है। 6 बजे सुबह नमाज पढ़ के साथ ही उठ जाता है। सीन ये है कि हम छोड़ने जा रहे हैं हुसैन को एयरपोर्ट, अभी एयरपोर्ट मेरा भाई जा रहा है, बट बड़ा ज्यादा मजा आया इसके साथ टाइम गुजारने का, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर बेगम आप कहाँ साथ जा रही हैं? मैं तो शॉपिंग करने जा रही हूँ आपकी। बेगम को मैंने बोल दिया कि भाई मुझे एक ब्रांड पे कुछ शर्ट्स बहुत पसंद आई, कह रही चले फौरन से पहले
ताकि कल को कोई इवेंट हो तो ये ना हो जाए आपके पास कपड़े ना और मुझे उस वक्त खरीदने पड़े। टाइम बताता चलूं कि 9:40 हो गए हैं, 10:30 किस बंदे की फ्लाइट है और इसकी शॉपिंग खत्म नहीं हो रही। मेरा कोई मूड नहीं था शॉपिंग करने का, बट आपको पता है कि भाई को अपने पे पैसे लगाते हुए 100 दफा सोचना पड़ता है। लेकिन बेगम ने कहा कि आज सारी शॉपिंग मेरी तरफ से और मैंने ये सब खरीद लिया, सब खरीद लिया, सब 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 सब। थैंक यू सो मच। आप लोग जाएं, मैं ले जाऊंगी। अभी खैर टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है और मैं हुसैन को लेके जा रहा हूँ। 10:30 की फ्लाइट है और वो बंदा ये खड़ा है, ठीक है। इसको कुछ नहीं पता इसकी फ्लाइट लेट हो रही है, क्या हो रहा है, बट खैर इसको लेके फौरन से पहले एयरपोर्ट पहुंचा ताकि इसकी बॉडी मिले। मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई, सीन ये है कि ये जैकेट एक बहुत ज्यादा पसंद आई थी मुझे एक ब्रांड पे, बट क्योंकि ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव थी तो मैं नहीं ले रहा था। बट बेगम मेरी ने समीर को भेज के इन दोनों ने प्लानिंग करके ये आपने क्यों लिया वैसे काके? काके बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हुसैन भी कह रहा है तो बहुत अच्छी, बट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। स्टिल यार खैर भाई क्या सीन है, निकलना यार, निकल निकल। तो गाइस अशद लेट हो चुके हैं, इसकी फ्लाइट 10:30 की फ्लाइट है और मैंने 10 यहाँ ही बजा दी है। लेट्स सी होपफुली कि फ्लाइट कैंसिल ना हो, फ्लाइट डिले ना हो, बाकी सब ठीक है भाई। मैं तो कह रहा हूँ हमारी तरह से ना डिले हो जाए यार, बहुत उनकी तरह से तो मैं चाह रहा हूँ कोई घंटा डिले हो जाए। खैर है ना, बहुत लेट हो गया। तो भाई 20 मिनट में पहुंचा तो दिया, बट क्या टाइम हो गया, 10:15 हो चुके हैं और 10:30 की फ्लाइट है। फोन भी गिर पड़ा भाई यार, क्या सीन होने वाला है ना आज। अगर आज चला गया ना भाई तो कराची आकर पार्टी लूंगा तेरे चीज की, ठीक है ना। इंशाल्लाह गलत आ गए थे बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एयरपोर्ट की सर्विस इतनी मजेदार है, उन लोगों ने थोड़ी सी फेवर की है, उन लोगों ने हमें दरवाजा खोल दिया ताकि हम इधर से जा सके। भाई लेट तो खैर बहुत ज्यादा हो चुके थे बट फाइनली एक गुड न्यूज मिली है। और गुड न्यूज क्या मिली है? अरे भाई हेलो, क्या सीन है भाई, गुड न्यूज क्या मिली है? फ्लाइट डिले हो गई है डिले 1 घंटा प्रॉपर डिले हो गई है, इसीलिए अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से अभी खैर खरियत से इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएगा। सामान लड़के ने फुल इसी में भर लिया अपना, क्योंकि इसने मुझे बताया नहीं था, नहीं तो मैं उसको एक्स्ट्रा बैग दे देता। एक यार इसमें आ जाएंगे हुसैन, पक्की बात है? चलो अल्लाह करे इसका सामान आ जाए, बट खैर अब इसको मैं यहाँ पर ड्रॉप करूँगा, बस एक दफ़ा अंदर बोर्डिंग हो जाए मुझे बता दे, फिर मैं सी ऑफ करूँगा इसको और इंशाल्लाह ताला खैर खैर से पहुँचे। और अब उसके बाद मैं घर जाऊँगा, कहाँ से सफ़र शुरू हुआ था वहीं पे होने जा रहा है ख़त्म। सामान मैंने लड़के का फिर पकड़ लिया है, लेट्स सी अभी ज़्यादा लेट ना हो, उसको खैर खैर से पहुँचा दिया जाए। कह रहे हैं कि घंटा डिले हो गई है, अब देखते हैं बाकी क्या सीन आगे। भाई खैर खैरियत से, आई लव यू, इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द दोबारा मुलाकात कर रहे हैं आपको और कराची इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहे हैं, बहुत जल्द। बस अभी आप सऊदी जाओगे यहाँ से? डन। समीर साहब कैसा रहा फिर? और फ्लाइट कैसी रही है? नहीं मेरी जान, बहुत सारा डन डन डन। अभी जाते हैं, मुझे बता रहे हैं अंदर पहले, ठीक है, और फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से, ठीक है मेरी जान। डन। हेयर पार्टनर्स चलो डन। हुसैन ने कहा तो मान लेते, तो अच्छा बंदा है, वैसे नहीं मान रहे थे हम। लो भाई आप जाओ खैर से, मुझे सिर्फ आप बताओ फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये बंदा अपनी जैकेट भूल गया, अभी सामने से जैकेट लेने आ रहा है वापस। लो भाई जैकेट आपकी भाई। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। बाय 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 बाय। चलो समीर साहब निकले। सो गाइस बोर्डिंग हो गई है, लड़के की लड़का खैर से कराची पहुंचने वाला है, कराची पहुंच जाएगा, अब मैं निकलता हूं घर।